hello वन माइनी कशिका वेलकम बैक टू माई चैनल मुझे शाम को जाना है एक संगीत फंक्शन में और मैं क्विकली सा एक सेल्फ केयर पैम पर रूटीन करने वाली हूँ बिकॉज बालों की हालत स्किन की हालत काफी खराब है सबसे पहले तो बालों से स्टार्ट करते हैं जिम जाकर मेरे बाल हमेशा ग्रीसी रहते हैं चिपचिप -चिप रहते हैं प्लस डांड्रफ भी काफी ज्यादा हो जाता है मानसून के टाइम पर सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ मेरा डी आई वाई है के मास्क उसके लिए मैं लूंगी एलोवेरा जेल यह अर्बन बोटानिक्स का एलोवेरा जेल अमेजोन पर अच्छी डील पर मिल रहा था ले लिया मैं वैसे पर्सनली कंसडर करती हूँ ऐसा ही एलोवेरा जेल जिसमें कलर ना हो जिसमें एक्सेसिव फ्रेग्रेंस ना हो जो कहीं कि नेचुरल रहे मेरे बालों के लिए भी और स्किन के लिए भी सेफ रहे सो so, इसमें मैं डालूंगी टी टी एसेंशियल ऑयल टी टी एसेंशियल ऑयल हम सबको पता है कितना अच्छा एंटी बैक्टीरियल एजेंट होता है कहीं ना कहीं बैक्टीरिया को किल करता है इन्फ्लेमेशन को भी सूद करता है तो अगर आपको स्कैल पर इचिंग है डैंड्रफ है थोड़ा बहुत भी राशि टाइप फील हो रहे है ना तो ये काफी ज्यादा हेल्प करता है मानसून में तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूं फिर मैं डाल रही हूं मेरा फेवरेट फिगेरो का ऑलिव ऑयल आई लव दिस ऑयल ये बालों को बहुत अच्छी शाइन देता है अगर आप हेयर ग्रोथ पे वर्क कर रहे हो तो आप कैस्टर ऑयल डाल सकते हो आप कोई सीजनल ऑयल भी डाल सकते हो कोकोनट ऑयल आलमंड ऑयल मुझे स्पेसिफिकली बालों की शाइन पर वर्क करना है अभी सो दैट फंक्शन में बाल अच्छे शाइनी लगे तो इसलिए मैंने ऑलिव ऑयल डाला है एंड मिक्स करने के बाद आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल ये पैक बना है बिल्कुल मार्केट जैसा ये हेयर केयर पैक की तरह लग रहा है मैं इसमें वाइटमिन ई -E की कैप्सूल भी डालती हुई लेकिन मेरी वो खत्म हो गई ईवी की कैप्सूल्स आती हैं वाइटमिन ई -E की आप वो भी इसमें डाल सकते हो एक कैप्सूल इनफ होती है सो उसको लगाने का एक तरीका होता है सबसे पहले आराम से टाइम लेके उसको अप्लाई करो पार्टिशनिंग करना शुरू करो थोड़ा बहुत साइड्स पर लगाती हूँ फिर बाकी जितना बचता है हैंड्स में उसको स्कैल्प पर लगा लेती हूँ ये पैक को आपको स्कैल्प पर भी लगाना

भी लगा सकते हो या फिर हल्की सी आ, हीट या स्टीम भी दे सकते हो उसे और ज्यादा पर मेरी स्किन डल फील हो गई है अभी गर्मी की वजह से सो so, मैं एक इंस्टेंट पार्टी ग्लो फेशियल करने वाली हूं सो दैट मेकअप भी मेरा अच्छा लगे पार्टी में उससे पहले स्किन केयर करना जरूरी है सो आई यूज लोटस हर्बल की रेडियंट पार्टी ग्लो फेशियल किट जो बेसिकली एक ग्लो देती है आपकी स्किन को इस पूरी किट का मोटिव यही है आपकी स्किन को ब्राइटन अप करती है डी टैन करने

नंबर टू जो है डी टैंड पॉलिशर ये बेसिकली स्क्रब्स है इसके अंदर स्क्रबी पार्टिकल्स हैं तो मेरी स्किन है ना तो मैं पूरे फेस पर नहीं यूज करूंगी आई जस्ट यूज इट ऑन माई नोज एंड चिन बिकॉज वहां पर मुझे काफी ज्यादा ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स होते हैं जो ऐसे नहीं जाते स्क्रब करने से कहीं ना कहीं वो अच्छे स्मूथ फील होती है मेरा नोज एरिया सो मैं जेंटली स्क्रब करने वाली हूं अगर आपकी नॉर्मल स्किन है ना तो आप अपने पूरे फेस पर भी यूज कर सकते हो जस्ट मेक श्योर आप ज्यादा प्रेशर ना अप्लाई करो स्क्रब को ज्यादा प्रेशर में नहीं यूज करना चाहिए अपने फेस पर सो so अच्छे से मसाज करने के बाद मैं इसको वॉश ऑफ कर लूंगी नॉर्मल पानी के साथ मैंने ने खुद पर्सनली काफी अच्छा नोटिस मतलब नोटिस किया था कि मेरी नोज कहीं ना कहीं फील हो रही थी पहले से स्टेप नंबर थ्री में आता है डीप सेल एक्टिवेटिंग सीरम जो बेसिकली नेचुरल एक्टिव इसके अंदर मिक्स ऑफ सीरम एंड ऑयल है बेसिकली जो पेनिट्रेट करता है डीप इंटू डार्क स्पॉट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है ब्राइटन अप करता है आपकी स्किन को सो तो इसको अच्छे से मसाज करना है जैसे आप आलो में देखते हो ना वो फेशियल करते हैं काफ़ी अच्छी मसाज देते हैं आपके फेस को तो मैंने उसी की तरह वाले मोशन अप्लाई किए थे अपवर्ड मोशन सर्कुलर मोशन सो दैट एक अच्छा ब्लड सर्कुलेशन भी बूस्ट हो हमारे चेहरे पर ग्लो भी आए सो तो इस सीरम को बहुत अच्छे से मसाज करना है और इस सीरम को वॉश ऑफ़ नहीं करना है इसको वाइप ऑफ नहीं करना है इसको अच्छे से स्किन में जाने देना है जब तक आप मसाज करते रहोगे ये अच्छे से सिंकिन हो जाता है आपकी स्किन के अंदर उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप जो है ब्राइटनिंग फेशियल क्रीम सो so, ये बेसिकली वाइट व्हाइट कलर की क्रीम है जो अल्ट्रा रिच फेशियल क्रीम है जो स्मूदन अप करती है स्किन को इसके अंदर भी नेचुरल एक्टिव हैं जो बेसिकली डीप एपिडर्मल लेयर में आपके जाते हैं प्रोवाइड करते हैं इवन टोन स्किन लाइटर और डार्क स्पॉट्स को लाइटन अप करने में हेल्प करते हैं सो so, इसको काफ़ी देर तक मसाज किया अच्छे से जैसे वो पालो मसाज करते रहे मैंने बिल्कुल वैसे वाले मसाजेस किए बहुत देर तक ये क्रीम बहुत अच्छे से मसाज करने में स्मूथ एक बेसिकली एक सरफेस देती है आपको और ये ब्लेंड होने वाली क्रीम नहीं है ये मसाजिंग क्रीम है इसको जब तक आप अच्छे से मसाज करते रहोगे अप्लाई कर लोगे उसके बाद आप इसको कॉटन पैड से रिमूव करके फिर आप फेस वॉश कर सकते हो अब आता है इनका लास्ट स्टेप जो है एलगे पील ऑफ मास्क जो बेसिकली टायर्ड स्किन जो डल स्किन होती है उस पर वर्क करता है स्किन को फॉर्म करने में हेल्प करता है पफिनेस पर भी वर्क करता है और ये काफ़ी वायरल एल्गे मास्क है जो मैंने काफी वीडियोस में भी देखा हुआ है सो so, बेसिकली पाउडर फॉर्म में आता है मैंने पूरा ही पाउडर डाल दिया था तो, जो मैंने गलत किया बिकॉज मेरा फेस काफी छोटा है मैं इसको दो बार यूज कर सकती थी थोड़ा थोड़ा करके मैंने पानी डाला बिकॉज मुझे नहीं समझ आता मैं एक्जैक्टली कितना डालू वैसे इंस्ट्रक्शन में एम में था लेकिन मुझे नहीं समझ आता एमएल में तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला पेस्ट बनाया स्टार्टिंग में आप देख सकते हो कितना पतला है लेकिन ये बहुत जल्दी ड्राई होना शुरू हो गया था लाइक ये कहीं ना कहीं हार्डन होना शुरू हो गया था तो प्लीज इसको जल्दी और जल्दी लगाना मैं हमेशा पैक को अपवर्ड्स मोशन में लगाती हूं सो दैट जब वो सूखे मेरी स्किन को कहीं ना कहीं टाइटन अप करे फर्म करे एंड यू गो मुझे कैमरे में देख नहीं रहा था बिना स्पेक्स के के तो मैं पीछे मिरर में देख के लगा रही थी आप देख सकते हो अब कितना ही हार्ड हो गया और मैंने कितना सारा ये मिक्स मतलब पूरा मिक्स करके गलती करी तो मैंने मेरे पास जितना था मैंने इसको अच्छे से मोटी लेयर बना ली जितनी थिक लेयर बनाओगी ना उतना उतारना भी ईजी रहता है एंड आई लुक लाइक अ घोस्ट बट अब हमें करना है वेट फॉर टेंट फिफ्टीन मिनट काफी जल्दी ये ड्राई भी हो जाता है एंड अभी अच्छे से ड्राई हो गया था अब हम एक स्टार्ट करना है इसको पील करना ऑनेस्टली आई कि मेरी स्किन है मेरे बाल तो तो ही निकल जाएंगे रेडनेस नहीं होगी दर्द तो नहीं होगा बट बिल्कुल काफ़ी जेंटल पील ऑफ मास्क है इससे कोई भी आपको पुलिंग नहीं होती आपकी स्किन को बिल्कुल रबड़ की तरह ये उतर रहा था जस्ट लाइक like आप कोई ना कोई वो, वो मूवीज में वैसे स्किन ही निकालते वैसे वाला मुझे फील हो रहा था एंड आई लव द आफ्टर इफेक्ट मतलब पूरी किट यूज करने के बाद मुझे खुद अपनी स्किन काफी अच्छी क्रिस्टल क्लियर कहींने की अच्छी स्मूदना फील हुई ऐसा लगा सारा जो डस्ट गंग थी वो निकल गई सो डेफिनेटली चेक इट आउट मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी अब मैं नहा ली मैंने हेयर वॉश कर लिया मैंने फेस वॉश नहीं किया नहाते वक्त बिकॉज ये पूरी फेशियल किट में पूरा मेरा फेस क्लेंस हो ही गया था सो तो मैं डायरेक्टली मेरा टोनर यूज कर रही हूं वन थिंग का जो सेंटला वाला टोनर है जो कहीं ना कि पी एच कहीं स्किन को बैलेंस करके रखेगा सूद करेगा मेरी स्किन को सो इसको मैं अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ और फिर मैं डायरेक्टली लगा रही हूं मेरा मॉइस्चराइजर जो आजकल मैं यूज कर रही हूँ एक्सेला का मॉइस्चराइजर विच इज माई जी फेवरेट आजकल गए तो मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ आई लव दिस वन ये ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए स्पेसिफिकली बनाए सो चार या फिर साढ़े चार पांच बजे का टाइम था उस टाइम धूप भी इतनी नहीं होती मुझे भी बाहर ऊपर धूप में नहीं जाना था तो मैंने सनस्क्रीन नहीं लगाई बिकॉज रात का जब फंक्शन होता है ना फिर सनस्क्रीन वाली स्किन पर मैं मेकअप नहीं करती तो मैंने सनस्क्रीन स्किप कर दी थी लेकिन अगर आप दिन का टाइम है धूप में जाने वाले हो तो प्लीज फेशियल करने के बाद सनस्क्रीन जरूर लगाना सो इसके बाद मैंने किया रेस्ट और जब तक मेरे बाल हल्के से डैम्प हो गए थे फिर मैंने लगाया हेयर सीरम यह yeah, लॉरियल का एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हेयर सीरम बिच आई लव बहुत अच्छे से मेरे बालों को शाइन देता है और जो फ्रिजीनेस होती है उसको भी कम कर देता है हल्के से डैम बालों पे लगाती हूँ ताकि ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले एंड आई लव माय हेयर दैट डे बहुत अच्छे शाइनी लग रहे थे मेरे बाल उस हेयर मास्क की वजह से अब आ जाते हैं नेल्स पर वैसे तो मेरे नेल्स काफी खराब हो गए हैं जिम जाने के बाद ऑलमोस्ट टूटते ही रहते हैं सो मैंने फटाफट नील पेंट लगा लिया एंड यू कैन सी द चेंज मतलब नील पेंट लगाती हैंड्स एकदम चेंज हो जाते हैं इस नेल पेंट का शेड भी मैं नीचे दे दूंगी लेट्स स्टार्ट विद मेकअप नाउ संगीत सेरेमनियां तो बिल्कुल भी लाउड वाला मेकअप नहीं करना मैं काफी ज्यादा सटल करने वाली हूँ जो अच्छा भी लगता है सबसे पहले मैं यूज कर रही हूं प्राइमर ये मुझे उसी दिन रिसीव हुआ था मेबली का पोर प्राइमर जो ऑयली स्किन के लिए है. मैंने काफी ज्यादा लगा लिया मुझे बाद में रियलाइज हुआ बट ये काफी अच्छा क्रीमी प्राइमर आया था और ये ऑयली स्किन के लिए है, तो काफी ज्यादा मतलब मैट कर देगा मेरी स्किन को बट आई लव माई स्किन आफ्टर अप्लाइंग दिस इसने कहीं ना कहीं अच्छे से पोर्स को फिल इन भी कर दिया था एक बहुत सी डूईनेस भी आई थी विच आई लाइक मुझे इंडियन वेडिंग फंक्शन में ना डूई स्किन ज्यादा अच्छी लगती है मैट अच्छी नहीं लगती पिक्स अच्छी नहीं आती मैट मेकअप में सो so, उसके बाद मैंने अप्लाई किया कलर करेक्टर वैसे कंसीलर है के का, मैं अपने डार्क स्पॉट्स को अच्छे से कलर करेक्ट कर सकती हूं कभी भी आप वेडिंग फंक्शन मेकअप करो ना डायट फाउंडेशन मत लगाया करो पहले कलर करेक्शन किया करो मैं पहले लगाती थी एले गर्ल का ऑरेंज कलर करेक्टर इतना ज्यादा ऑरेंज था ना मेरी स्किन के लिए मतलब मेकअप के ऊपर स्किन अजीब सी ऑरेंज ऑरेंज दिखती थी फाइनली मुझे परफेक्ट कलर मिल गया ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है इट आप देख सकते मेरे हो मेरे मेजर डार्क स्पॉट्स इससे हाइड हो गए हैं और अब मैं फाउंडेशन भी मुझे ज्यादा भर के लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सबसे पहले मैं मिक्स करने वाली हूँ दो फाउंडेशन एक है मेबलिन का सुपर स्टेज मेरा ऑल टाइम फेवरेट फाउंडेशन है जो बिल्कुल खत्म हो गया इसके लास्ट पंप चल रहे हैं और थोड़ा सा मैंने ड्रॉप डाला है ये ऑर्डिनरी का फाउंडेशन का जो लाइट है मेरी स्किन के लिए ना मेबलिन का जो वन ट्वेंटी एट वार्म न्यूड है ना वो काफी बार ऑक्सराइज हो जाता है और मेरी स्किन डार्क लगती है दो या तीन घंटे बाद मेरी स्किन हल्की सी डार्क लगती है इसीलिए मैंने इसके अंदर ऑर्डनरी का एक लाइटर फाउंडेशन ऐड किया सो so दैट अभी चाहे मेरी स्किन लाइट लग रही होगी लेकिन एक या आधे घंटे बाद मेरी स्किन टाइप में मतलब कहीं है कि मेरी स्किन टोन पे आ जाता है तो बेटर रहेगा ना सेम के ब्यूटी रेंज का जो कंसीलर है उसी में मैंने एक लाइट शेड का कंसीलर पिकअप किया मैं सबके शेड नीचे मेंशन कर दूंगी तो प्लीज देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स इससे मैं करने वाली हूं हाईलाइट अपने अंडर आइस को हाईलाइट किया लोअर मतलब जॉ लाइन के अराउंड मैं रिवर्स कॉन्टोर करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ सो कॉन्टोर के जस्ट नीचे मैं हाईलाइटिंग करती हूँ चिन पर हल्की सी नोज पर और थोड़ा सा फोरेड पर इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी ये बेसिकली हाई पॉइंट्स होते हैं हमारे फेस के जहाँ पर लाइट पड़ती है और अच्छी एक शार्प लुक आती है आपके फेस की ब्राइटनप भी लगता है आपका फेस नाउ इसके बाद मैं लगा रही हूँ लिपेन चीकटेंट यह है अर्थ रिदम का इसका ना बहुत अच्छा एक डुई इफेक्ट आता है बहुत ग्लॉसी और शाइनी लगता है तो मुझे काफी अच्छा लगता है वेडिंग फंक्शन के लिए मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ लिक्विड और, और, और पाउडर ब्लश को मिक्स करना एज इन लेयर करना बिकॉज वो ज्यादा अच्छे स्टे करता है अगर आप भी पाउडर ब्लश लगाते हो फिर आपको कंप्लेन है कि आपका ब्लश हट जाता है पहले एक लिक्विड ब्लश लगाओ वो ज्यादा अच्छा स्टे करेगा एंड यू कैन सी कितनी अच्छी डुइनेस आई है मेरे चीक्स कितने ग्लॉसी लग रहे हैं सो इसके बाद मैं आप सेट कर लूंगी मैंने जितने क्रीम प्रोडक्ट्स लगाने थे मैंने सारे लगा लिए अब मैं फेस सेट करने वाली हूँ कभी भी सेट करने के बाद क्रीम प्रोडक्ट्स नहीं लगाने चाहिए सो ये ब्यूटी का इजी बेक है इन द शेड शुगर कुकी ये ट्रांसलूसेंट लूज पाउडर है जो बेसिकली व्हाइट कलर का है सो so, काफी अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है मैं ज्यादा भर के नहीं ले रही हल्का हल्का डैप करके स्किन पर लगा रही हूँ एज ए सैड मुझे डू ही लुक ज्यादा पसंद है तो मैं एक्सेसिवली लूज पाउडर नहीं यूज करती ना मैं बेकिंग करती हूं पहले बेकिंग करती थी अब मैं इतनी बेकिंग भी नहीं करती बिकॉज फिर वो स्किन को ना अजीब सा मैट और ड्राई कर देता है सो so, आई के लिए मैंने यूज किया मार्स का आई पैलेट आप देख सकते हो तो मैंने भी आपको सूट दिखाया उसमें जो ग्रीन कलर का दुपट्टा है उससे वो ग्रीन आई मैच हो रही है लेकिन बमर हो गया वो मैं आपको बाद में बताऊंगी सबसे पहले मैंने ये ऑरेंज शेड पिकअप किया एज अ क्रीज कलर ये मुझे इंडियन वेडिंग के लिए वाला कलर बहुत अच्छा लगता है एक न्यूट्रल आइज मेरी बन जाती है सो so, मैंने फ्लैट ब्रश से ना इस ग्रीन कलर को पिकअप करने की कोशिश करी ये आई शेडो पैलेट में अच्छा लग रहा है लेकिन ये मेरी आईज पर इतना आया नहीं लाइक लगाने के बाद आप देख सकते हो तो इतना कोई ग्रीनिश इफेक्ट नहीं आ रहा गोल्डन ही लग रहा है मेरी आईज पर सो थोड़ा सा बमर हो गया बट मैं काफ़ी लेट हो रही थी तो मैं नहीं चेंज कर पाई ये ऑनेस्ट ए मेकअप ट्यूटोरियल है मैंने फेिसेस कैनडा का आई अप्लाई कर लिया फटाफट उसके बाद मैं लगा रही हूँ मस्कारा मैं हमेशा वेडिंग फंक्शन के लगाती हूँ ये टू फेस्ड का बेटर देन सेक्स मस्कारा आई लव दिस वन मेरे को ना फॉल्स इतनी अच्छी नहीं लगती मैं बहुत रेयर लगाती हूँ तो मुझे यही अच्छा लगता है इससे काफी अच्छा फॉल्स लैसेज वाला इफेक्ट आता है और लोअर वाटर लाइन के लिए मैं लगाती न्यूड काजल यह मेकअप रेवोल्यूशन का न्यूड कलर का कोल काफी सस्ता आता है इट इज वेरी वेरी अफोर्डेबल फ्रॉम नायका मुझे बिग आईज का ज्यादा अच्छा लगता है मुझे नीचे ज्यादा भर के काजल लगाना पसंद नहीं है बिकॉज आंखें फिर छोटी लगती है सो आई लव दिस वन मैं इसको जब लोअर वाटर लाइन पे हल्का हल्का लगाती हूँ ना मेरी आईज काफी ज्यादा प्यारी लगती है और एक अच्छी फोटोज भी काफी भी अच्छी आती हैं और इसके बाद मैं क्या करती हूं मैंने जो पहले ऑरेंज शेड लिया था ना मार्स का आई पैलेट का मैं उसी ऑरेंज शेड को हल्का हल्का स्मोक आउट कर रही हूं नीचे। इससे भी अगेन आपकी आईस का एक बिगर इफेक्ट आता है और आपकी लुक भी लगती है सो लोअर लास्ट लाइन के लिए मैं ये वाला मस्कारा यूज़ करती दैट दैट इज़ अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स बट या इसलिए मैं ये वीडियो नीचे शूट कर रही हूं बिकॉज ऊपर करूंगी स्टूडियो में तो इतना मेकअप मैं नहीं ले जा सकती मुझे लास्ट वॉन्ट पर याद आता है मुझे यह भी चाहिए वो भी चाहिए सो ये जो एल्फ का मस्कारा है ना इसकी वॉन्ड काफी छोटी आप देख सकते हो कितनी छोटी वॉन्ड है तो मैं इसको स्पेसिफिकली लो लास्ट लाइन के ही रखती हूं बिकॉज ताकि बड़ा मस्कारा लगाऊंगी तो मैसअप हो जाएगा ब्लश पैलेट काफी दिखा चुकी है आजकल फेवरेट है वैसे ब्रश है लेकिन कॉन्टोरिंग और ब्लश दोनों अप्लाई कर लेती हूँ फिर मैंने हल्की हि कॉन्टोरिंग करी भामा मामा का लूज पाउडर है जो काफी लूज पाउडर है काफी लगता है ज्यादा हार्श नहीं लगता है एज ए से लाउड मेकअप नहीं करना थोड़ा सा एक नेचुरल लुकिंग मतलब नेचुरल तो लग नहीं रहा है काफी ज्यादा मेकअप कर दिया बट या इट इज नॉट लाउड वो शादी वाला लाउड मेकअप नहीं है ये सटल भी लगता है और सुंदर भी लगता है और अब सबको सेट करने की बारी है मैं यूज़ कर रही हूँ ये मैकअप फिक्स प्लस मेकअप फिक्सिंग स्प्रे इसको लगाते एकदम मेकअप आपका लॉक हो जाता है उसके बाद आप बारात में नाचो पसीने में नाचो गर्मी में नाचो ये लॉक कर देता है आपके मेकअप को मैं इसको ड्राई होने देती हूँ थोड़ा सा जैसे अभी हल्का हल्का सूखने देती हूँ फिर जब डैम्प होता है मैं स्पंज लेती हूँ और डैप करती हूँ इस प्रोसेस से क्या होता है जो भी एक्सेस होता है ना फेस पर वो इसके ऊपर आ जाता है आपका मेकअप और ज़्यादा नैचुरल लगता है एक्सट्रीम ज़्यादा केकी नहीं लगता और लॉक हो जाता है ब्लेंडर को रब नहीं करना खाली डैप 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 करना है एक टावर लेके अपनी आईब्रॉज क्लीन उून बिकॉज मेकअप करते टाइम आईब्रोज में पाउडर चला जाता है फाउंडेशन चला जाता है और मैं आईब्रोज नहीं करती मैं खाली उनको क्लीन कर देती हूँ सेट अगर आपकी आईब्रोज नहीं है तो आप थोड़ा बहुत फिल इन कर सकते हो मैक का मैंने हाईलाइटर अप्लाई किया फरननाइज ग्लो यह भी हाईलाइटर काफी नेचुरल है इसके बिल्कुल भी चंकी पार्टिकल्स नहीं है और इस टाइम पर मुझे मैसेज आ गया था कि कैब बुक हो चुकी है मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही थी तो मैंने फटाफट से चेंज किया लिपस्टिक अप्लाई करी मैक की मेहर जो मेरी आजकल की फेवरेट लिपस्टिक है यह मैं रखना ही भूल गई मुझे टचअपलिए रखना था लेकिन मैं इसको रखना ही भूल गई बहुत प्यारा शेड है मतलब आई एम लविंग शेड द हाइप इज रियल आईज़ पे अच्छा थोड़ा बहुत ड्रामा था ना तो मैं लिपस्टिक को ज्यादा लाउड नहीं रखा एज सेट ओवरऑल लुक को ज्यादा चटाक लाउड नहीं रखना तो काफी नेचुरल लुकिंग मैं मैंने लिपस्टिक लगाई ये रिसेंटली मैंने अमेजन से ऑर्डर किया हुप्स का सेट तो ये वे छोटे वाले, वाले हूब्स पहन लिए अगेन ज्यादा लाउड झुमके नहीं रखे बिकॉज आउटफिट ऊपर से थोड़ा सा मुझे चमचम लग रहा था यह शरारा सेट वैसे मैंने अमेजन से मंगवाया मैं नीचे लिंक कर दूंगी और ये एपल वॉच का मैंने न्यू स्ट्रैप ऑर्डर किया अमेजोन से जो गोल्डन कलर का है वो नॉर्मल जो इसके साथ आता है ना वो थोड़ा वेस्टर्न लगता है तो इंडियन के लिए मैंने स्ट्रैप ऑर्डर किया मैंने फर्स्ट टाइम पहना है मतलब काफी अच्छा इंडियन लुक दे रहा था एंड एज यूजल कशिका चौहान ट्राई टू डू सम हेयर स्टाइल आई एम रियली बैड विद हेयर स्टाइल्स आपको पता होगा सो so, मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया कि शारा ऐसा टाइप का पहना है तो ऐसे ट्विस्टी हेयर बना लेती हूँ काफी अच्छी पंजाबी लुक आएगी बट वहाँ पर जाने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने अपने बाल खोल दिए थे और वहाँ पर ये मांगटी का टाइप जो देते हैं वो हमें मिला था दिस इज़ माई ओवरऑल लुक आई लव इट ये शरारा मुझे काफ़ी अच्छा लगा मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था प्राइस पॉइंट के हिसाब से आई रियली लाइक द क्वालिटी ग्रीन दुपट्टा है ना इसका एकदम न्यून वाला तो काफी अच्छा है एक डिफरेंसी लुक दे रहा है सो दिस इज़ माई फाइनल लुक प्लीज मुझे बताना है और देखना चाहते हो बिकॉज सारे वेडिंग तो तो लिक्ष। पूरी खा चुकी थी खत्म हो चुकी थी और टचअप के लिए लुक विदाउट लिपस्टिक बट आई लाइक डिट काफी नेचुरल लग रही है लाइट में बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियो लोटस हर्बल की किट का लिंक भी आपको मिल जाएगा सो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक लेना